क्या कर रहे हो बनी इधर घुस करके? चलो निकलो जल्दी जल्दी निकलो जल्दी जल्दी, कौन कौन फास्ट, कौन फास्ट? गाइस देखिए बनी का टेक्निक, ये क्या कर रहा है। पॉट का जो प्लेट होता है ना, मैं इसे वॉश करके रखी हूँ। अभी बालकनी को अरेंज करना है, मैं अभी नहीं कर रही हूँ, तीज के बाद करूँगी। और यहाँ पर ये देखिए सारे प्लेट को इसके ऊपर चक्के के ऊपर रख करके इसे नचा रहा है, इसका यही काम है। यहाँ पर ये टॉवल गिरा दिया है। तो फ्रेंड ये देखिए मैं जा रही हूँ गुजिया बनाने के लिए, बनी सो क्या है। और यहाँ पर मैंने सारा सामान रख दिया है, मैं किचन में नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमारे किचन में नॉनवेज बनता है। तो ये सारा पूजा का सामान मैं बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ हॉल में ही सारा सामान ला करके रखती हूँ। यहाँ पर जो भी मैंने बर्तन ये सब यूज किया है सारा न्यू है। मैं यहाँ पर नारियल कट कर रही हूँ, इसे बारीक मैं पीस लूँगी, ज़्यादा नहीं पीसना है, बस धर कर दरदरा करके। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मंजू, माँ बेटे चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त मंजू। माँ बेटे के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ बनाने के लिए पिड़किया। यहाँ पर मैंने नारियल काट करके रख लिया, इसे मैं पीसूँगी। तो वैसे कल आप सभी को पता है कि कल क्या है, कल तीज है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ आज गुजिया। और बनी अभी बनी को मैंने अभी सुला दिया है, अगर वो जगा रहता तो मैं ये सब नहीं कर पाती। तो मैं कब से वेट कर रही थी कि वो कब सोए कि मैं ये काम कर लूँ। अगर वो जगा रहता है तो मैं ये कर ही नहीं पाऊँगी, ये सारा सामान फेंकने लगता है। तो बनी के साथ बहुत ही मुश्किल है ये सारा काम करना। तो गाइस जब तक वो सो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि एक घंटे में ये सारा मैं निपटा लूँ। तो ये जा रही हूँ मैं पीसने के लिए, वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे पिड़किया बनाती हूँ। वैसे मैंने एक और वीडियो में ये रेसिपी शेयर किया था, लेकिन मैं आज फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैं शुगर को कट की हूँ, और यहाँ पर मैं जो नया इंडक्शन है उसके ऊपर मैं सिंदूर का टीका दे रही हूँ, क्योंकि जब भी नया आप ये यूज करें तो आप एक बार अग्निदेव का पूजा कर लेना चाहिए। और फ्रेंड यहाँ पर मैं इंडक्शन को ऑन करके अग्निदेव को मीन्स चूल्हा को मैं प्रणाम कर ले रही हूँ। अब मैं इंडक्शन ऑन कर ली हूँ, तो मैं टेस्ट कर रही हूँ इंडक्शन। यहाँ पर ये है खोआ, इस खोआ को मैं यहाँ फ्राई करूंगी। और ये जो फ्राई पैन है ये सारा कुछ मैं न्यू यूज कर रही हूँ, क्योंकि पूजा के लिए हम लोग अगर साफ सुथरा और अच्छा मतलब बर्तन हो तो यूज करना चाहिए, कोई अशुद्ध बर्तन यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में तो नॉनवेज तो बनता ही है, बट अब कौन सा बर्तन नॉनवेज का हो गया है नहीं हुआ है ये बहुत मुश्किल होता है जानना। तो इसलिए मैं ये सारा न्यू बर्तन निकाली हूँ बनाने के लिए। फ्रेंड जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी गुजिया बनाती थी, तो हम लोग भी साथ में बैठ करके बनाया करते थे। और हम लोग को वो जो पड़के गढ़ना होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता था बनाने में, उसको गढ़ने में। और मेरी मम्मी बहुत ही मतलब जो नेक धर्म होता है उसको बहुत फॉलो करती थी, तो मैं भी अपनी मम्मी का ये जो भी बातें हैं मैं उसे जरूर फॉलो करती हूँ। मैं भी पूरा जहाँ तक हो सकती है मैं साफ सुथरा से मैं बनाने का कोशिश करती हूँ, कुछ भी मतलब गलतियाँ ना हो ये मैं पूरा ध्यान में रखती हूँ। तो इसको देखते ही थोड़ा मैं और भूनूंगी। एक्चुअली इंडक्शन न्यू है ना, तो मुझे थोड़ा सा इस पर हाथ बैठने में टाइम लगेगा, कहीं जल ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा आस्ते आस्ते इसको मैं भून रही हूँ।
इसको थोड़ा सा हल्का और लाल करना है, इसके बाद इसको उतार देना है। इसी में मैं नारियल भी डाल दूंगी और इसे भी मैं इसके साथ में भून लूंगी। ये देखिए सटने लगा। फ्रेंड यहाँ पर मैंने जो नारियल का बुरादा था उसे भी ऐड किया है और इसे मैं थोड़ी देर और भून लूँगी। ये देखिए हमारा ये पूरा भुन चुका है खोया और नारियल का बुरादा, इसे मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और यहाँ पर मैं जो शुगर का पाउडर बनाई थी इसमें मिक्स करती हूँ और ये सारा मैं इसमें एक साथ मिक्स कर दूँगी। और यहाँ मैं इसे हाथों से थोड़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि चम्मच से उतना अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता है। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, 1/2 kg का ये मैदा है और यहाँ पर रिफाइन है शकोला का, तो मैं इसमें मोयम के लिए ऐड करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से बन जाता है ना, तो मतलब आटा सही है, मोयम सही है। अब मैं इसे तरीके से आटे को गून लूँगी और ये जो आटा गूंदना जाता है ना थोड़ा हार्ड होता है, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है और ना ही ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब मीडियम में होता है। यहाँ पर मेरा आटा गूंद चुका है। अब मैं यहाँ पर पिड़किया गढ़ने वाला ये मशीन ली हूँ। इसे अच्छे तरीके से मैंने पहले तो धो ही लिया था, फिर भी मैंने एक बार इसे जो पानी लगा रहता है वो मैं यहाँ पर इसे पोंछ ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालूंगी ताकि ये जो आटा होता है इसमें चिपके ना, और इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर दूंगी, चारों तरफ ऐसे फैला दूंगी। अब मैं यहाँ पर आटे का लोया लूंगी और छोटे छोटे पेड़े जैसे मैं गोल गोल बना लूंगी। ये देखिए यहाँ पर 5-6 मैं यहाँ पर पेड़े बना ली हूँ और इसे पूड़ी की शेप में बेल लेना है। तो ये देखिए हमारा ये एक पूड़ी शेप में बेल चुका है। अब मैं इसके ऊपर रखूंगी और इसके किनारे के तरफ मैं थोड़ा पानी लगाऊंगी, चारों तरफ गोल से मैं पानी लगाऊंगी। इसके बाद यहाँ पर जो मैंने खोए का जो बनाया है फिलअप मैं इसके अंदर डालूंगी 1 से 2 स्पून, आप अच्छे से डाल लें उसमें और इसे ऐसे बंद कर देना है और यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा निकला होता है उसे निकाल देना है। तो ये देखिए हमारा गुजिया मतलब बनकर रेडी है, मीन्स की गढ़कर रेडी है। ये देखिए कितना ही अच्छा है। इसी तरह हम सारे गुजिया को गढ़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इतना सारा गुजिया गढ़ ली हूँ। अब मैं इसे छान लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में ऑयल को डाल दिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बबल्स आने लगते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एक करके डालूंगी, आराम से डालना है, हाथ न चले। आंच को यहाँ पर मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना है और लो भी नहीं रखना है। और ये धीरे धीरे सीखता है। और फ्रेंड ये देखिए हमारा गुजिया फ्राई हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसे मैं उलट पुलट करके अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा लाल हो चुका है। अरे अरे ये तो पलट ही नहीं रहा, ये तो मेरे से झगड़ा कर रहा है। अरे भाई पलट जा। तो ये देखिए हमारा ये गुजिया फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी, यहाँ से मैं निकाल लूँगी। फ्रेंड पता है मैं ना फ्राई पैन में यहाँ पर ये फ्राई करूँ, मैंने कढ़ाई ऑर्डर किया था नया, बट वो थोड़ी देर से आया। जैसे ही मैं ऑयल डाल दी, गुजिया डाल दी, उसके बाद अभी तुरंत आया है। तो अब मैं तो इसमें ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, मैं सोची चलो इसी में छान लिया जाए। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट बैच को मैं डाल दी हूँ और इसे भी मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से आप
फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड ये देखिए बनी उठ चुका है 1 घंटे के पहले ही। मैं तो सोची थी कि सोता है 1-1.5 घंटे, सो जाता है 2 घंटे, बट ये तो उठ गया। अब तो ये मुझे बनाने ही नहीं देगा। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया कि ये उठ गया। अब मैं इसे कैसे संभालूंगी। क्या हुआ बनी को? बनी को क्या हुआ? सो कर उठ गए। पहले उठा। मामा कैसे बनाती है? मामा कैसे बनाती है? ऐसे बनाती है क्या बाबू के लिए? हाँ पूजा होगा उसके बाद बाबू खाएगा, है ना? है ना? लास्ट बैच है बेटा, ये हो जाएगा खत्म। हाँ ये बन जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा साथ दे दो, दे दो मेरा बेटा। देखो तो बेटा वहाँ रैम्स चल रहा है ना, रैम्स देख लो, रैम्स रैम्स। अच्छा 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 नहीं 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 हो गया बेटा, मम्मा का काम हो गया बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ा बेटा। देखो बेटा हो गया, ये जल जाएगा बेटा। नहीं 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मम्मा गिर जाएगी। स्टॉप स्टॉप। फ्रेंड ये देखिए हमारा गुजिया बनकर के रेडी है। आप लोग बताइए ये गुजिया कैसा बना है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लग रही होगी। क्या आप लोगों ने अपने घर पर गुजिया बना लिया? आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। और बनी का साउंड भी इधर आ रहा है, बनी अब मुझे काम नहीं करने देगा। तो मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।